पुलवामा हमले के बाद घिरे पाकिस्तान ने यूएन से गुहार लगाई। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएन को लिखी चिट्ठी में कहा, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का उन्माद भड़का रहा है भारत, संयुक्त राष्ट्र निभाए अपनी भूमिका। पुलवामा के शहीदों की याद में आज श्रद्धांजलि सभा, दोपहर 3 बजे 2 मिनट का मौन रखेगा पूरा देश। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद मेजर विभूति को देहरादून में आज दी जाएगी अंतिम विदाई, पार्थिव शरीर घर पहुंचा, श्रद्धांजलि देने वालों का उमड़ा हुजूम। पुलवामा मुठभेड़ में एक और शहीद जवान अजय कुमार का भी पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा मेरठ, घर के लाडले के जाने की खबर सुनकर परिवार में मातम पसरा। शहीद शिवराम का पार्थिव शरीर पहुंचा जयपुर, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, आज पैतृक गांव में सुबह 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। हरियाणा के रेवाड़ी के शहीद जवान हरि सिंह का भी पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा घर, शहीद को आज दी जाएगी आखिरी विदाई। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के कमांडर थे, एनकाउंटर में मारा गया आतंकी कामरान, सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले का था मास्टरमाइंड। पुलवामा अटैक पर सियासत जारी, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने हमले की टाइमिंग पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी आरएसएस हमले की आड़ में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। एमएनएम नेता और अभिनेता कमल हासन का कश्मीर पर विवादित बयान, कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग की। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी, गृह मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी अधिसूचना। देशभर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ट्रांसजेंडर समुदाय ने शहीदों को किया नमन। कोलकाता में बीजेपी ने पैदल मार्च निकालकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीदों की याद में दिए भी जलाए, सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल के कुशा भाऊ ठाकरे कॉलेज परिसर में देश विरोधी नारे लगाने का मामला आया सामने, 6 कश्मीरी छात्रों को किया गया सस्पेंड, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। राजस्थान के जयपुर के कुकर शंकर इंस्टीट्यूट में आतंकियों का समर्थन, कश्मीरी छात्रों के खिलाफ शिकायत, मामले में कार्रवाई की मांग। कश्मीर से पीओके जाने वाली बस सेवा स्थगित, पुलवामा हमले को देखते हुए पुंछ से रावलकोट चलने वाली राह मिलन बस सेवा रोकी गई। कुलभूषण जाधव मामले में आज आईसीजे में पाकिस्तान रखेगा अपना पक्ष, बाकी 2 दिन दोनों देश एक दूसरे के आरोपों का जवाब देंगे। पहले दिन कोर्ट में पाक के झूठ का हुआ खुलासा, भारत ने पहले पक्ष रखते हुए जाधव को जबरन कब्जे में रखने का आरोप लगाया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई से पहले भारत के वकील दीपक मित्तल ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल से नहीं मिलाया हाथ, हैंडशेक का जवाब नमस्ते से दिया। प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा, काशी को पीएम देंगे करोड़ों की सौगात, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री बीएचयू में महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे, रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री वाराणसी में संत रविदास मंदिर भी जाएंगे और रविदास जयंती के मौके पर एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जा रहे हैं चेन्नई, बीजेपी तमिलनाडु की 15 और एआईएडीएमके 25 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में गठबंधन, बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी का साथ बहुत पुराना है, दोनों पार्टियों में मतभेद लेकिन विचारधारा एक। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज से 2 दिन के भारत दौरे पर, भारत और सऊदी अरब के बीच कई समझौते होने हैं, दोनों देशों के बीच 5 MOU पर दस्तखत हो सकते हैं, रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जा सकता है। 3 देशों की यात्रा पर निकली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज स्पेन पहुंची, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, स्पेनिश गायिका ने सुषमा स्वराज के सामने महात्मा गांधी के प्रिय भजन को गाया, सुषमा स्वराज ने कहा धन्यवाद। रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर ईडी की पूछताछ, वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन में संपत्ति खरीदने का आरोप, रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने लगाया था जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। SC ST संशोधित कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट फैसला करेगा अग्रिम जमानत पर रोक का प्रावधान जारी रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में तुरंत गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक, सरकार ने कानून में संशोधन कर प्रावधान को फिर जोड़ा। प्रयागराज कुंभ में आज माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान, संगम में स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, आज पूरा होगा कल्पवास। यूपी के कानपुर किडनी रैकेट के इंटरनेशनल लिंक का खुलासा, तुर्की श्रीलंका समेत कई देशों में बेची जा रही थी किडनी, मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। PSRI और फोर्टिस हॉस्पिटल ने जारी किया प्रेस रिलीज, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा नियमों और कानून के तहत ही होते हैं किडनी लिवर ट्रांसप्लांट। उत्तराखंड सरकार ने पेश किया 48,679 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट, किसानों पर सरकार का विशेष फोकस। यूपी के आगरा में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, कई लोग हुए घायल, चौमिन खाने को लेकर बच्चों के झगड़े के बाद भिड़े दोनों पक्ष। यूपी के बस्ती में एक शख्स ने युवती पर किया एसिड अटैक, गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस ने आरोपी सलमान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद पुलिस की छापेमारी लगातार जारी, 2 जगहों से लेहन और कच्ची शराब बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार।
देहरादून में एसएसपी आवास के पास एक चलती कार में लगी आग, कार सवार बाहर निकलकर बाल बाल बचा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के मंदसौर गोलीकांड में बीजेपी सरकार को क्लीन चीट, गृह मंत्री बाला बच्चन ने मंदसौर गोलीकांड को बताया जायज। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए हुआ था मंदसौर गोलीकांड। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम कमलनाथ, विधायक दीपक सक्सेना का बयान, कल देंगे इस्तीफा, नकुलनाथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले, आईपीएस आरिफ एच शेख को बनाया गया रायपुर का एसपी, राज्य पुलिस सेवा के भी 32 अधिकारियों का ट्रांसफर। रमन सरकार की एक और योजना बंद, विधानसभा में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी जानकारी, कहा तेंदू पत्ता संग्राहकों को वन विभाग नहीं बांटेगा चरण पादुका, नकद राशि देने की भी नहीं है कोई योजना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की अपील, अंतागढ़ टेप कांड मामले में आरोपी है मूणत। एमपी के ग्वालियर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत, पति पत्नी और 12 साल के बेटे की मौत, खाना बनाते वक्त गैस लीक होने से हुआ हादसा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महिलाओं के भस्म आरती के दौरान मौजूदगी पर विवाद, अवधेशपुरी ने खड़े किए सवाल, कहा जब महिलाएं भस्म आरती देख ही नहीं सकती तो क्यों दिया जा रहा प्रवेश। दिल्ली के विकासपुरी में एलिवेटेड रोड पर हादसा, कार की टक्कर से लड़की फ्लाई ओवर से नीचे गिरी, लड़की की हालत गंभीर। दिल्ली में तेज रफ्तार एक लग्जरी कार ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में एक विदेशी महिला की मौत, 2 घायल, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बारातियों को कुचला, 13 की मौत, कई घायल, मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की लगी क्लास, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, जनता तक बीजेपी की योजनाएं पहुंचाने के निर्देश। राजस्थान के जालौर में पति ने की पत्नी और पोतियों की बेरहमी से हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी फांसी लगाकर की खुदकुशी। राजधानी में कथक केंद्र के क्लर्क को एसीबी ने किया ट्रैप, मेकअप आर्टिस्ट से 8,000 रुपये घूस लेने का आरोप, बिल पेमेंट करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। बिहार में होली से पहले विकास मित्रों, शिक्षा सेवकों और स्कूल के रसोइयों को बड़ा तोहफा, सीएम नीतीश ने किया मानदेय बढ़ाने का ऐलान, विधानसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के सहयोगियों पर लगाया अपमान करने का आरोप, 23 फरवरी को लालू से मिलकर करेंगे सीटों पर बात, कांग्रेस की बयान के बजाय कुनबा बचाने की सलाह, आरजेडी के मुताबिक बातचीत हर समस्या का समाधान। कीर्ति झा आजाद ने थामा कांग्रेस का दामन, दिल्ली में राहुल गांधी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, बीजेपी पर लगाया पीठ में छुरा घोंपने का आरोप, कांग्रेस को बताया देश के बारे में सोचने वाली पार्टी। रघुवर सरकार ने ब्लॉक और नेटर को दिया बड़ा तोहफा, मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी का भरोसा, पंचायतों की तस्वीर बदलने के दिए निर्देश, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के आदेश। महागठबंधन में बिखराव के संकेत के बाद झारखंड में तीसरे मोर्चे की तेज हुई कवायद, घाटशिला में थर्ड फ्रंट बनाने पर मंथन, AJSU और भारत मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि हुए शामिल। बिहार के भोजपुर में जमीन विवाद को लेकर एक युवक को मारी गोली, गांव के ही लोगों पर आरोप, केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की छापेमारी। बिहार के शेखपुरा में बेटी की हत्या से जुड़े मुकदमे में गवाही देकर लौट रहे पिता पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, मामले में गांव के ही बदमाशों पर शिकायत दर्ज। बिहार के गोपालगंज जेल में बंद कैदियों ने जेल अधीक्षक को लिखा खत, बॉर्डर पर जाकर जंग लड़ने की मांगी अनुमति, कैदियों ने अपनी कमाई से आर्मी रिलीफ फंड में 50,000 रुपये का भी किया दान। बिहार के सासाराम में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए किया गया महामृत्युंजय यज्ञ, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, मंदिर में शहीद जवानों का लिखा गया नाम। बिहार के बेगूसराय में पुलवामा आतंकी हमले के सम्मान में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, सेना के अधिकारियों जवानों सहित भारी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। बेंगलुरु एयरो शो के रिहर्सल में रफाल ने आसमान में दिखाई ताकत, 3 रफाल विमानों ने भरी उड़ान, एयरो इंडिया शो के रिहर्सल में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण और सारंग विमानों ने भी दिखाया करतब। बेंगलुरु एयर शो में 49 कंपनियां अपने विमानों का प्रदर्शन करेंगी, 24 फरवरी तक चलेगा एयरो इंडिया शो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में फिर बर्फबारी, रोहतांग, दर्रा और सोलंग वैली में बर्फ गिरी।